Hey guys, Tezal from Critical Production. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज गाइस मैं तीन मेथड सिखाऊंगा जिसमें से आप इजीली अपने बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी कैपकट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर फोर। तो उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों को मेरे साथ ही फॉलो करना है तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया है मैंने, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, उसमें से डाउनलोड करके आप मेरे साथ ही फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड टू वन। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक फुटेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ये थोड़ा फुटेज मैंने रेंडर किया था, जो ये ब्लैक वाटर मार्क है कैप्चर का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेथड वन में इसको हम लोग ये लेयर पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो देख रहे हैं कटआउट, कटआउट ऑप्शन में जाके सिंपली यहाँ पे जो देख रहे हैं आप रिमूव बैकग्राउंड, तो इसमें रिमूव बैकग्राउंड करेंगे और ओके करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद ये देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो चुका है वन क्लिक के अंदर। पर यहाँ पे इसका जो डिफेक्ट क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे तो इसमें अच्छी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है गाइस। तो इसके लिए आपको मेथड टू सिखाऊंगा। तो उससे पहले इसमें जो कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप कोई बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, तो जैसे कि रिमूव में जाओगे तो यहाँ पे एक कटआउट स्ट्रोक है, तो इसमें जाओगे तो इसमें क्या है फीचर है कि आप कोई भी कटआउट किया हुआ बैकग्राउंड का जो है उसका स्ट्रोक दे सकते हो, ठीक है, इजीली। तो उसमें यहाँ पे दो तीन प्रीसेट दे रखे हैं इसने, और यहाँ पे जाके आप लोग कोई भी कलर, एक मनपसंद कलर चूज करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये था मेथड वन। तो इससे और क्लियर और परफेक्ट तरीके से हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं मेथड टू पे। ऑलराइट, तो मेथड टू के लिए आपको सिंपली एक लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है और कटआउट पे जाना है, और यहाँ पे कस्टमाइज कटआउट देख सकते हैं। तो कस्टमाइज कटआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दो तीन ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रश है, वाइप है, और यहाँ पे कटआउट स्ट्रोक, जो इससे पहले मेथड वन पे आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। तो ब्रश का काम क्या है कि कोई भी आप ब्रश का काम इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, जो भी पार्ट आपको दिखाना है उसका काम ये सिलेक्ट करोगे तो वो दिखाएगा और बाकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और ये वाइप का काम है कि अगर आपका, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा सब्जेक्ट से बाहर सिलेक्ट हो चुका है, तो उसको डी सिलेक्ट करने के लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको फिर से अंडू कर रहा हूँ और इसको शुरू से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो मेक श्योर आपको जूम आउट या जूम इन करना है, तो दो फिंगर से आप स्क्रॉल ड्रैग करके स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रश में सिलेक्ट क्लिक करता हूँ, ब्रश 17 अराउंड रख लेता हूँ, और ये सब्जेक्ट को सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हैं, वहाँ से देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका ब्रश कहाँ पे जा रहा है, मैग्नीफायर का ऑप्शन, तो सिंपली ऐसे कर सकते हो। थोड़ा छोटा कर लोगे तो यह और क्लियरली दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे, तो ऐसे करके आप लोगों को पहले एक फ्रेम का सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर इसका रिजल्ट जो है गाइज एकदम अमेजिंग होता है, एकदम बढ़िया होता है। तो ये वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोर ना हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप ये 100% हो चुका है गाइस, ठीक है। तो आप जैसे कि आप यहाँ पे ये ओके करोगे यहाँ पे, तो ये है आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है गाइस। तो सिंपली इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। सिंपली मैं एक बैकग्राउंड कौन सा उठा लूँ, ये वाला बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम नीचे के लेयर में भेज देते हैं। उसके लिए सिंपली आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और ओवरले में क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके थोड़ा स्केल कर लेते हैं थोड़ा ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये देख सकते हो ये हो चुका है बैकग्राउंड रिमूव। तो ऐसे भी रिमूव कर सकते हो, पर इसमें इसका डिफेक्ट क्या है कि यहाँ पे थोड़ा जूम करोगे गाइस तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से कटआउट नहीं हुआ। भी एक और एडवांस मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमा की। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड थ्री।
मैथड थ्री में हम लोग बात करने वाले क्रोमा की, या इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करना है या ब्लू स्क्रीन, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं एक ओवरले ले रहा हूँ, तो ओवरले लेता हूँ, एड ओवरले में क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक ग्रीन स्क्रीन का ये जो फुटेज है इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे ले जाता हूँ और इसको मैं इसको फिट कर लेता हूँ स्केल करके। तो ग्रीन पार्ट है, इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली ये क्लिप में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्लिप में क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करके फिर से कटआउट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे ये जो है क्रोमा की, तो इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इंटरफेस आया होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर जो है इसमें जो सेंटर पॉइंट ये पिकर है, यहाँ से आप कोई भी कलर पिक करेंगे तो इसको रिमूव कर देगा। तो हमको करना है कि ये ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली इस पर क्लिक करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी पे जाते हैं और इंटेंसिटी में इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं हेयर हमारा डैमेज हो चुका है, कोई बात नहीं। आप सिर्फ करना क्या है कि आपको ये बैकग्राउंड का पार्ट जो अच्छा से हट जाए, ठीक है। पूरी तरीके से आपका फोरग्राउंड जो सब्जेक्ट है वो जा रहा है, तो आप सिंपली ये फिर से कलर पिकर में जाके कोई थोड़ा ब्राइट या डार्क ग्रीन कलर एरिया वो जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से इंटेंसिटी पे चलते हैं और थोड़ा इंटेंसिटी डाउन थोड़ा बढ़ाने से यहाँ पे आप नियरली आपका जो है जा चुका है। उसके बाद हमारा पार्ट है शैडो, शैडो पे जाएंगे तो क्या होगा कि आपका फोरग्राउंड का जो डैमेज पार्ट है वो वापस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डैमेज हुआ है, यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो थोड़ा शैडो ऑन कर लेते हैं, तो ये रहा कुछ इस हद तक आ चुका है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और एक चीज़ आप लोगों को नोटिस हो रहा होगा कि जो यहाँ पे है, जो ये देख सकते हो, इसका एज में ग्रीन 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 अभी तक लगा है। तो इसके लिए आपको सिंपली आप अनडू कर देते हैं, हम इसको अनडू कर देते हैं, ठीक है, अनडू कर लेते हैं। उसके बाद हम करना क्या है कि इसमें क्लिक करके हमको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है। थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके आप लोग HSL में जाइए, उसके बाद ग्रीन को सिलेक्ट करके हम लोगों को इसको सैचुरेशन डाउन कर लेना है। तो ये हो गया आपका कुछ ये टाइप का ग्रीन स्क्रीन, बहुत आसान और इजीली तरीका से प्रोफेशनल वे से रिमूव हो गया। आई होप यू गाइस यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर, लेक्चर 5 पे। तब तक के लिए बाय बाय।